दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस लोगो के ऊपर काम किया था। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इस टाइप का लोगो, अगर आप डिजाइन करना चाहते हो वो कैसे बनाएं, ठीक है, या राउंड में आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उसके लिए नई फाइल लेते हैं। यहाँ पे में हम बनाएंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश लोगो। तो वो कैसे डिजाइन करें, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको सर्कल लेना तो आप यहाँ से सर्कल से ही स्टार्ट करें। बिल्कुल, अगर गोलाई में आप कोई लोगो बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबा के आप इसको ले लें। कंट्रोल बटन दबाने का फायदा ये होगा कि आप इसको बिल्कुल गोलाई में ले सकेंगे। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल जो इसकी लेंथ और विड्थ है, जो दोनों साइड से एक साइज समान जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों जो है एक्यूरेट जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से इसी की कॉपी कर लें। और कॉपी के लिए हमारे पास, या तो आप यहाँ से कॉपी कर डायरेक्ट कर सकते हैं एडिट में जाके, ठीक है, या अगर एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप इसका प्लस बटन दबा दें कीबोर्ड के ऊपर, प्लस वाला, ठीक है, और फिर शिफ्ट बटन दबा के इसको यहाँ से इस तरीके से छोटा कर दें, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शिफ्ट करके हम क्या करेंगे। यहाँ से इसको ट्रिम कर लेंगे दोस्तों। अब ट्रिम करने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी करके साइड में इसको कर देता हूँ। आपको ये मैंने किया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ट्रिम करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं ट्रिम करता हूँ और इसका जो अंदर का पोर्शन है उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं दोनों को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, ठीक है, अगर इसके अंदर कलर डालता हूँ तो वो देखिए यहाँ पे कलर पूरे के अंदर दिखाई देगा, और इसके अंदर कलर डालता हूँ तो सिर्फ इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी के अंदर काम करना है, जो बीच का एरिया खाली रखना है। तो इसको हम यहाँ से जो है कंप्लीट दोनों को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमें सर्कल चाहिए, ठीक है, यहाँ से आप कलर ना देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ना दें। अगर और स्टाइलिश कलर इसके अंदर डालना चाहें अट्रैक्टिव, वो आप डाल सकते हैं। इसका जो जो हमारा स्ट्रोक है वो आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, चार, ये इस टाइप का, ठीक है। यहाँ से अब दोस्तों देखिए, ब्लू ले रहा हूँ, आप इसके अंदर मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं। और वो कैसे, यहाँ से कर सकते हैं, या तो यहाँ से देखिए फाउंटेन फिल, इसका शॉर्टकट है F11 की, वो भी डाल सकते हैं, या तो ठीक है वहां से डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कस्टम लेना चाहते हैं, मैं दिखा दूँ कस्टम कलर, कस्टम लेना चाहते हैं तो इस टाइप का आएगा। यहाँ से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कस्टम में, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ से आपको कोई और जो डालना है कलर, इस टाइप का कलर आप डालना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से आप इस टाइप का डालना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप कलर डालना चाहें यहाँ पे, आप फिर जो इस टाइप का डार्क डालना चाहते हैं। और इसको देखिए बिल्कुल सीधा आएगा अगर हम डालेंगे तो। यहाँ से क्या करें, इसको रेडियल कलर कर दें, इस टाइप का आएगा, इसको ओके कर दें, तो यहाँ से थोड़ा सा ये स्टाइल का आ गया। इसको छोटा साइज भी आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं इसको कम ज्यादा, जीरो एज को आप, ठीक है, जीरो ही रखें यहाँ से आप कर, ये स्टाइल है, आप इसमें बना पाएंगे। और इससे इसके बाद यहाँ से इससे अलग अगर आप बनाना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं। प्रीसेट्स होते हैं कुछ एक, यहाँ पे देखिए इस टाइप के, जो आप यहाँ से ले सकते हैं इस टाइप का। अगर आप सर्कल लेना चाहें, यहाँ से रेडियल कर दें इसको, देखिए ये लिया, इसको ओके कर दें, यहाँ से इस टाइप का आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कलर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल ही यूज करूंगा, बिल्कुल देख लेते हैं कोई बिल्कुल एक नॉर्मल सा, ठीक है, कलर, या फिर हम बिल्कुल पहले आप इसके ऊपर एक सिंपल कलर से ही शुरुआत करेंगे, हम ज्यादा जो है कलर इसके ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ब्लू अगर डालना चाहें तो इसके अंदर ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में। और ज्यादा आप यूज करना चाहें तो उसके लिए आपको मैं एक सिंपल ऐसा ऑप्शन बता देता हूँ, बिल्कुल जो है F11 करते हैं, वापिस कस्टम पे जाते हैं, और यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे कलर हम इसका और यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से यही कलर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टोन जो है 3 2 टोन कलर हो जाएगा, रेडियल कर देते हैं इसको, ओके कर देते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का लगेगा आप, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टैक्स, अब बात करते हैं टैक्स इसके ऊपर कैसे लिखें। अब दोस्तों टैक्स के लिए भी दो चीजें होती है, एक तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर लिख सकते हैं, चलिए इसको कॉपी करके मैं दोनों के ऊपर आपको, सॉरी यहाँ से मैं दो आपको बना के दिखाता हूँ दोनों के ऊपर टैक्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। नंबर एक तो टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से टैक्स लिख देता हूँ, LS टैक्स,
टेक्नोलॉजी, क्या सॉरी, एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, जो कि हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां से इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, एक तो ये लिखने के बाद भी आप इसके ऊपर डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है यहां। उसके बाद अगर आप चाहें, मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ लिखने लिख जो आप इसके ऊपर डालना चाहें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे एक होगा जो है फिक्स टेक्स्ट टू पाथ, इसको चूज करें ऑप्शन को। और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप टेक्स्ट को कहाँ लेना चाहते हैं, ठीक है यहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ से करते पहले ये हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अगर इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है इस तरीके से आप जो है इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आप रोटेट करना चाहें इसको बिल्कुल सीध में लेने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अब बात करेंगे, इसको आप सेंटर में रखें, ठीक है। अगर आपको उल्टा सीधा करना कोई टेक्स्ट आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि लिखते कैसे हैं इस तरीके से टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हमने ऊपर लिखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली इसके ऊपर गोलाई में लिखूं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से जो है टेक्स्ट टूल हम लेते हैं F8 और यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप यहाँ से देखिए इस तरीके से क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको एक एज दिखाई देगा कि आपको कुछ एज के ऊपर लिखना है तो आप करें एज के ऊपर। देखिए ए के नीचे एक जो है बैंड हुई लाइन आएगी, वो आप सेलेक्ट कर लें कि आप कहाँ से किस एज पे लिखना चाहते हैं, कहीं भी लिख लें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका साइज आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से 24 की जगह आप काफी जो है 72, ये जितना भी आप करना चाहें। पहले इसको दोस्तों आप सेलेक्ट कर लें, ये बात का ध्यान रखें, अगर इस टाइप का अगर साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर फिर बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं सटाई जिसका साइज है। अब ये देखिए टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो टेक्स्ट हमारा इसके ऊपर है और मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है इसका अंदर है, पहले तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से भी बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डॉट एक क्रॉस का निशान है, इस क्रॉस के निशान को आप यहाँ जहां भी इसको रखना चाहे वहां जो है आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे आ गया, आप इसको व्हाइट जो कलर है वो कर ले, मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर में आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको और यहाँ रखना चाहें, देखिए यहाँ पे आप रख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको साइज जो है जितना भी आप बड़ा करना चाहें वो आप कर सकते हैं दोस्तों, देखिए दोनों में, ठीक है। यहाँ देखिए जो स्टाइल है बिल्कुल, ये जो स्टाइल है थोड़ा बहुत तो देखिए यहाँ से आड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जो ये लिखेंगे ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख पाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और जो बाकी का काम है इसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है यहाँ से हम कर लेते हैं। यहाँ आप कुछ लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है F8 लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ हरियाणा डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये देखिए बिल्कुल उल्टा है, तो उल्टा इसको सही करने के लिए आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइज बड़ा करने के लिए आप साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और सेंटर में देने के लिए इसको सेंटर में डाल सकते हैं यहाँ से। फिर से आप इसको देखिए जो है व्हाइट में ही कर देते हैं, थोड़ा सा साइज आप छोटा रखना चाहें, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा वो हुई है, यहाँ से अगर छोटा रखना चाहें तो आप छोटा रख सकते हैं ऐसे, या कुछ और भी लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं आप जो भी चाहें, ठीक है। इसके अंदर कुछ लगाना है तो वो मैं आपको यहाँ से पेज वन से बता देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए आपको ये, ठीक है यहाँ ये वाला लिखना है तो आप इसको इसको सेलेक्ट कर लें दोनों को और यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ मैं एक, यहाँ रख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं यहाँ से, ये देखिए इसको मैं फिर से ग्रुप कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा साइज ले लेते हैं जितना भी वहां तक हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ एक जगह पे, देखिए बिल्कुल आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जो है ये हमारा लोगो एक तरीके से तैयार हो गया है, आप इसको अब भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड अलग है जो ये टेक्स्ट अलग है, ठीक है।
यहाँ पे आप इसको कर पाए। अगर इनका टैक्स आप बिल्कुल मैच करना चाहते हैं, इसको भी इनको भी आप ग्रुप जो है इसको भी आप कलर ऐसा इस तरीके का दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लू में रखना चाहते हैं या फिर आप वाइट जो है उसको स्ट्रोक दे दें, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे कलर और स्ट्रोक जो है वाइट दे, इस तरीके का भी आप यूज कर पाएंगे इसके अंदर, देखिए ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सेव कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, फाइल में जाएं यहाँ से और एक्सपोर्ट पे जाएं, कंट्रोल इसका शॉर्टकट होता है। एक्सपोर्ट के बाद आपको जो है यहाँ पहले इसका डेस्टिनेशन डिफाइन करें कि आपको ये कहाँ पे सेव करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप पीएनजी में करना चाहते हैं, यहाँ से पीएनजी में इसको सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें इसको, और जो इसका साइज है वो इसका रेजोल्यूशन आप हाई रखें, ठीक है, साइज 6x6 का है यहाँ से, और इसको काफी ठीक है, इसका ओरिजिनल साइज अगर आपको मेंटेन रखना है तो वो यहाँ से टिक लगा दें और उसको ओके कर दें। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना अगर आपको लगाना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आप रखें, ठीक है, और इसको ओके कर दें, ठीक है। ये लोगो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए इसको कंप्लीट होने के बाद उसको ओके कर दें दोस्तों।